सो तनु, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू बिकॉज यू हैव स्कोर्ड अमेजिंग मार्क्स, और पूरे जयपुर की नजरें आज आप पे टिकी रहेगी बिकॉज यू स्कोर्ड 75 इन लॉ. तो तनु, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस जब आप रिजल्ट देख रहे थे, वो आपने एंटर हिट किया, तो हाउ वॉज द ऑल अराउंड इन द हाउस? आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि 75 एंड ओवरऑल मेरे फिर 314 आए हैं, अच्छा, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरे 75 आ जाएंगे. ओके, तो शॉकिंग था यानी 75 वाज. यस सर, और घर वालों ने कैसा रिएक्शन दिया जब आप पास हो गए? तो सब बहुत खुश है. खुश है? ओके, यस दैट्स सर, अमेजिंग. तो पूरा जयपुर आज प्राउड फील कर रहा है यार, आपने आग लगा दी है. और मैं और भी बात करूंगा. मैं अभी पहले सबसे इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ. हमारे पास तनु गोयल है फ्रॉम जयपुर स्कोरिंग 75. वी हैव वेंकटेश अग्रवाल फ्रॉम मालेगांव स्कोरिंग 64. वेंकटेश भाई, क्या हाल था रिजल्ट्स के टाइम? अरे सर, सबसे पहले मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि निकल जाऊंगा। क्या बात मैं कर रहे जब हो. पास, मेरे को याद है, मैंने जब पास क्लिक कर रहा था उसके पहले भी मैं फुल ऑन एकदम प्रे वे में कर रहा था कि प्रेयर कर रहा था, यार निकल जाए अच्छा है। और उसके बाद फिर मैंने क्लिक किया, मम्मी को बताया, और फिर 2-5 मिनट तक हम हक कर रहे थे ऐसे क्या बात, सो एकदम। वो स्वीट. रॉ इमोशंस था वो, एकदम तो आपने वीडियो वीडियो नहीं निकाला ना? निकाला. नहीं, अरे वो डूड, उस टाइम रिजल्ट्स पे के वक्त यू शुड ऑलवेज हैव अ कैमरा, किसी को पकड़ा देने का कि भाई तू ले. और तो मैंने मम्मी का आपसे इससे एकदम पहले रॉ बात करा इमोशन था, निकला. क्या कह रहे थे हो? हाँ, वो मम्मी का एकदम रॉ इमोशन निकला, ऐसे हक कर लिया एकदम मम्मी यार ने हमको नहीं टाइम देखने पास मिला ना, देखते. हमने मिस कर दिया ना, आप लोग आपने रिकॉर्ड नहीं किया. बट यार अरे सीरियसली, सर, डीका वीका ऐसा लगाया, हाँ मैंने सुना फुल पटाया जा रहा था भगवान को. अच्छा, हाँ फुल ऑन 3-4 दिन से चालू था सर, पास के पहले भी वही कर रहा था ओ, करने के पहले. करते रहो बेटा, फाइनल में बहुत जरूरत पड़ती है इसकी. यू नीड गॉड ऑन योर साइड. एग्जैक्टली. तीन चार दिन पहले बहुत करती हूँ. गजब भाई. और अपन लोग डिस्कस करेंगे. वी है ऑल्सो हैव तनु जैन फ्रॉम गुड़गांव, शी हैज स्कोर्ड 62 इन लॉ. तनु कैसे कर लिया यार, मतलब ये आग कैसे लगाई आपने मेरा तो एक्सेप्शनल केस है. मैं भाई? लेकिन तो लॉ में तो रिजल्ट आग भी नहीं लगाई देख रही थी, ना. मुझे 100% श्योर थी मैं पास नहीं होंगी. हाँ, मैं ओ 100% श्योर थी कि मैं पास नहीं होंगी. रिजल्ट 9 बजे आ गया था, मैंने चेक 10 बजे किया है. मुझे पता था कि मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, बस सिर्फ देखने के लिए कि मेरा परफॉर्मेंस लेवल क्या है, मैंने वैसे ही चेक कर लिया था. और फिर और 62 मुझे देख के. तो बस ये था कि मैं लो में पास हो जाऊंगी. हाँ हाँ, कि पास हो जाऊंगी एग्जम्पशन का नहीं था मुझे श्योर कि मैं आ जाएगी या नहीं आ जाएगी. हाँ कोचिंग में मैं एक्सपेक्ट करी थी एग्जम्पशन, कोचिंग ओके. में नहीं आई और लो में आ गई. और एक्चुअली ये मतलब मेरे लिए भी सरप्राइजिंग, बिकॉज कॉस्टिंग में एग्जम्पशन आना मेरे हिसाब से इजी है कंपेयर टू लॉ. आई यस थिंक सर, बिकॉज हाँ लॉ इतना इजी नहीं है यार, मतलब जब आप लिखने बैठते हो ना तब रियलाइज होता है लॉ इज नॉट दैट इजी. तो पर सर एक्चुअल में हुआ क्या था कि ना आप लाइव क्लासेस लेते थे, तो हाँ मैंने हाँ सारी क्लासेस आपके साथ लाइव ली है. तो करेक्ट, आई लॉ रिमेम्बर. में मैंने सिर्फ लॉ ही पढ़ी थी. मेन कोचिंग तो अरे मैंने लास्ट में ध्यान दिया था रेगुलर कॉलेज के चक्कर में, तो सिर्फ मेरे को लॉ में इंटरेस्ट आता था. फाउंडेशन में भी मैंने आपसे लॉ पढ़ी थी, तो करेक्ट. मेरे को सिर्फ लॉ ही इंटरेस्टिंग लगती थी. जब कुछ नहीं पढ़ने का मन करता था तो लॉ खोल कर बैठ जाती थी मैं, तो तो मतलब फिर तुम्हारा थोड़ा कभी बेस कुछ बचा पढ़ने का था. मन ही नहीं किया तो लॉ ही में आग लगा दिया? मतलब तुमको पास होने के लिए मुझे बाकी सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ेंगे क्या? सर अभी नेक्स्ट स्टेप में कर लूंगी बाकी अरे नहीं सब्जेक्ट्स नहीं बट की. यार देखो, जेनुइनली बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर ना थोड़ा मिक्स रखना पड़ता है पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रखना पड़ता है, तो वो सर आपको अभी हो करना है. गया. एक तो हाँ कम हो अभी गया ये ना, मैं, एक एक टेंशन कम हो गया अब आपके इसमें से. हाँ भाई जो सब्जेक्ट आता है उसको वापस नहीं पढ़ा जाता, और हाँ बाकी सब्जेक्ट्स तो एग्जैक्टली, मुझे मेरे प्रिपेयर भी नहीं थे. अब करेक्ट जैसे करेक्ट. टैक्सी क्लासेस मेरी कंप्लीट ही नहीं हुई थी, सिर्फ मेरा 20% सिलेबस हुआ था, पर मैंने ओ, सोचा स्किप करने से अच्छा है मैं दे दूं और फायदा हो और मेरी गया. लॉ में सी, एग्जाम्पशन. सो ये एक यस बहुत सर, अच्छी चीज मैं यहाँ पॉइंट आउट करूँगा. तो तनु जैन से हमने सीखी कि भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये सोच के एंड कर देते कि यार अब मेरा पूरा तो हुआ नहीं है, क्या मतलब है. और अब देखो, एक सब्जेक्ट का टेंशन कम, मतलब यू कैन डिवोट सो मच टाइम टू ऑल रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट्स. और कितना ज्यादा टाइम आप दे सकते हो उसमें, और अमेजिंग. बाकी सब्जेक्ट में भी मेरे पासिंग आ गए थे, सिर्फ टेक्स्ट में नहीं आए थे. और और एग्रीगेट. बाकी दोनों सब्जेक्ट में भी मैंने क्लियर तो कर ही लिया था, एक कॉन्फिडेंस आ गया मेरे को. यस बट देन अभी आपको एक सब्जेक्ट कम है तो आप बाकी चीजें कवर अप कर लोगे. सर, हाँ अब मैं ग्रुप 2 के सब्जेक्ट थोड़े बहुत प्रिपेयर कर सकती हूँ एग्जामिशंस वगैरह के लिए, तो करेक्ट. काफी अच्छा रहा, अच्छा, अनएक्सपेक्टेड. अब मैं थोड़ा सा टिप्स और ट्रिक्स पे जाता हूँ. और अब नन अदर देन तनु गोयल, बिकॉज शी हैज स्कोर्ड 75. तो अभी कैसे पॉसिबल है यार ये, क्या किया क्या तुमने लॉ के साथ? जो आपने बढ़ाया था बस वो किया था. अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, बाकी लोग भी कर रहे हैं यार, तो कुछ तो तो मैंने बताओ.
हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, उनको कंटिन्यूअसली पढ़ती थी। उसके बाद फिर जैसे एग्जाम पास आने लगे, एक एक डेढ़ महीने के पास मैंने फिर एमटीपी आरटीपी शुरू कर दिया था। 2018 से 22 के सारे किए मैंने, ओह माय गॉड, 18 से 2018 22, से 22 तक 22 तक। यू डिड यस सर, एमटीपीस आरटीपीस, आरटीपीस ऑल, यस अमेजिंग सर। अमेजिंग। और मैंने 3 से 4 मॉक टेस्ट रिटर्न किए हैं, लिख के किए हैं। अच्छा, ऑल बाय योरसेल्फ, हाँ ईमानदारी से बैठकर टेस्ट यस देना, सर, यस अमेजिंग। सर। ओके, सो मतलब और जो आपने जिस रीडिंग देन रिवीजन एंड देन ये राइटिंग प्रैक्टिस सेल्फ से किया है। यस यस सर, ओके, दैट इज लाइक बहुत हार्ड वर्क लगता है एक्चुअली। तनु आप मुझे बताइए, बच्चे ना अकाउंट्स और कॉस्टिंग में बहुत मेहनत करते हैं, मतलब उनके पास रजिस्टर्स होते हैं भरे हुए, बट लॉ का जब उनसे कुछ मांग लो तो बोलते हैं थियरी सब्जेक्ट को कोई बुक बनाता है क्या। और ऑन द अदर हैंड व्हेन यू हैव स्कोर 75, आपने मुझे दो चीज बताई, एक तो हैंड रिटन नोट्स, यानी आपने खुद के लिखे हुए नोट्स बनाए, तो ऑफ कोर्स आप उसी में से रिवाइज कर रहे होंगे वन डे बिफोर एग्जाम ऑल्सो, यस एंड सर, सेकेंड आपने जितने आरटीपीएस एमटीपीएस बताया आई थिंक एक रजिस्टर तो वो खा गया होगा। सो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या आप स्टूडेंट ने रजिस्टर्स बनाने चाहिए लॉ जैसे सब्जेक्ट के लिए, लॉ ऑडिट? यस सर, बिल्कुल बनाने चाहिए। ठीक है, लॉ तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसको तो अच्छे से पढ़ सकता है अगर टीचर अच्छा हो तो। दैट्स थैंक यू सो मच। बट ना यार, टीचर सेम होता है पता है, फिर भी स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्कोर करते हैं ना, रीजन दो होता है, हार्डवर्क एंड इंटरेस्ट। हाँ कुछ बच्चे यस हार्डवर्क सर, कर पाते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ लोगों में इंटरेस्ट होता है, वो थोड़ा आलस आ जाता है। सो यू हैव टू हैव बोथ इज वॉट आई यस सर, फील। इतने सारे एमटीपी आरटीपी कर लिया यार तुमने यस सर। और बिना देखे, एंड हाँ, हाउ लाइक आप इवेल्युएट कैसे करते थे खुद को, लाइक क्या गलत किया क्या सही किया, सजेस्टेड आंसर में से, सजेस्टेड आंसर्स में से? यस सो सर। सिर्फ एग्जाम्पल, आप कोई क्वेश्चन देख रहे हो, चेक कर रहे हो, आपको रियलाइज हुआ कि ये दो प्रोविजन मैंने नहीं लिखे, सो आप उसके हाँ, लिए फिर क्या करते थे? मैं उसको अलग से लिख लेती थी, ओके, एक नोटबुक के अंदर लिख लेती थी, फिर वो याद रहता है, कि ऐसे हमने ये रिवाइज कर लास्ट लेती टाइम नहीं दोबारा लिखा था। दोबारा। हाँ तो अगर एक सेम क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आपको दो बार आए होंगे, अगर आपने इतने सारे आरटीपीएस किए तो हाँ दो क्या तीन तीन बार यस, आपको एक क्वेश्चंस आए होंगे, बहुत हाँ तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट दिखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? यस सर, बहुत ज्यादा तो जो पॉइंट्स आप पहले भूल रहे थे कि आप दोबारा में वो सेकेंड याद, टाइम हाँ याद आ जाते थे, याद आ रहे थे, याद आ रहे थे वो। सो बाय द टाइम यू आर डन विथ ऑल दिस, आपका ऑलमोस्ट परफेक्ट आंसर्स आपके आ रहे होंगे। यस सर। सो डिड यू यूज दिस इन अदर थियरी सब्जेक्ट्स ऑल्सो? सर मैंने ग्रुप फर्स्ट ही दिया था, ओके, तो तो उसमें तो सारे प्रैक्टिकल ही है हाँ, ऑलमोस्ट। तो मतलब आपने लिख हाँ लिख के रजिस्टर भर दिया है, बिकॉज बाकी तो आपने किया यस ही होगा, सर, आपने लॉ को ही पूरी जान यस निकाल दी। अमेजिंग यार, मतलब ठीक है, दैट इज लाइक इवन लर्निंग फ्रॉम मी, कि इतना हम बच्चों को बोलते हैं कि करो यार आरटीपी, करो यार एमटीपी, तो बच्चे बोलते हैं यार सर कर लेंगे कर लेंगे, आज करेंगे कल करेंगे। तो आपने प्लानिंग कैसे किया कि भाई मेरे को आरटीपी एमटीपी चालू करना है, थ्रू आउट द स्टडीज या पूरा होने के बाद? पूरा होने के बाद, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि मेरा कुछ होगा उसमें, इसलिए मैंने एमटीपी आरटीपी शुरू कर दिए। फिर अच्छा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग गया, फिर ओके, पता चल गया ना कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में करेक्ट। वैसे। हाँ और अदर लॉस को भी इतना फोकस दिया जितना हमने कॉर्पोरेट लॉस को दिया था? यस सर, अच्छा, अमेजिंग, बिकॉज अदर लॉस थोड़े वो अदर है ना, तो उनको हाँ ऐसे अलग निकाल के रख देते हैं लोग कि चल इसको देखते हैं बाद में। दैट्स गुड, दैट्स गुड, ओके, अमेजिंग। हम लोग तो एक डिटेल सेशन कर ही रहे तनु से, जितने भी सवाल आप लोग यस पूछना चाहते हो, जो लोग क्लासेस देख रहे हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और तनु से हम लोग टाइम निकाल के मांगेंगे, एंड इफ यू कैन टेक आउट टाइम, हम लाइक लाइव सेशन भी रख सकते हैं फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स, बिकॉज इसमें पेट नहीं भर रहा यार, आई वॉन्ट मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। कुछ ऐसा हिडन बताओ ना यार, क्या किया है, ऐसे जेनरिक मत बताओ, एकदम डिटेल में आप बताना एनालिसिस सर, करके। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया, नॉर्मली बस एमटीपी आरटीपीज के, हैंड रिटन नोट्स के, उनको रिवाइज करती रहती थी बस, तो सब क्योंकि ऐसे मेरा ही बोलते इंटरेस्ट हैं था उनमें ना, सब सर। जब मेरा पास ये होने के बाद था ना सब ये अभी इजी लग रहा होगा तुमको, नहीं लॉ इंटर का लॉ इजी बहुत होता है, ज्यादा, बहुत ज्यादा और जब पढ़ रहे थे तब इजी लगता था क्या? नहीं, पहले नहीं लगता था। ये ऐसे होता है, जब जब पास हो जाता है ना तो हर चीज लगता है ये तो इजी है, ऐसे ही है। नहीं बट गुड यार, अमेजिंग, तो हम लोग इसके लिए कनेक्ट करेंगे। अब मैं वेंकटेश भाई के पास आता हूँ, भाई मालेगांव से आग लगा रहे हो फुल, भगवान को भी अपने साइड कर रही हो, क्या स्ट्रेटेजी लगाई भाई वेंकटेश, कैसे मुमकिन हुआ ये? सर सबसे पहले तो एक मतलब लॉ मैंने फाउंडेशन से आपसे पढ़ा है, तो उधर से मेरा इंटरेस्ट पूरा डेवलप हो गया था लॉ के अंदर, जैसे अरे वो सो एग्जांपल्स वगैरह पढ़ाते थे, बहुत मजा आता था। मैं सबसे पहले एक तो फर्स्ट चीज क्या करता था, जैसे कोई भी प्रोविजन लॉ में अगर डिफिकल्ट जाता है लैंग्वेज पढ़ने के लिए, तो मैं वहां पे ना एग्जाम्पल्स नोट करता था, जो आप हर प्रोविजन के लिए एग्जाम्पल देते हो क्लास में समझाते हो, हाँ, वो नोट करने से क्या होता है प्रोविजन रीड करने में बहुत आसानी होती है जब आप सेकेंड रीडिंग करते हो सेल्फ में, सेल्फ स्टडी में। करेक्ट,
वो करता था, और फिर साथ में मैं इंटरलिंकिंग करता था, जो आप लेक्चर्स के बीच में बोलते थे तुम लोगों ने पहले चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, हाँ वो राइट बहुत राइट जरूरी है। उससे एक रिवीजन भी हो जाती बेसिकली वो चैप्टर के बीच में, और इंटरलिंकिंग हो गई तो और अच्छे से समझ में आता प्रोविजन, आता है फॉर श्योर रेक्टिफिकेशन नहीं करना पड़ता वो फालतू में, जो जो बच्चे मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी करते हैं वो नहीं करना पड़ता अगर करेक्ट इंटरलिंकिंग हो गया तो। एंड ऑब्वियसली जैसे आप बोलते थे मैं क्वेश्चन सॉल्विंग है ना बीच बीच में ही करते जाता था, जैसे ही अपना लेसन हुआ क्वेश्चन सॉल्विंग कर लिए पास्ट एग्जाम के डायरेक्ट अच्छा तो मतलब कंसेप्ट बाय कंसेप्ट डायरेक्ट। गए हो आप, एंड तक नहीं रुके, हाँ स्टार्टिंग से ही आपने प्रिपेयर नहीं किया। नहीं नहीं बिकॉज वो एंड में मेरे को पता था लॉ का यार साइड हो जाएगा और हाँ फिर बस, मार्क्स भी साइड हो जाएंगे वो में। और अदर लॉ को इम्पोर्टेंस दिया या मेन फोकस कॉर्पोरेट लॉ था? मेन मेरा कंपनी लॉ था मेजर फोकस, बट अदर लॉ को थोड़ा अदर ही कर दिया मैंने पूरा अलग नेगोशिएबल छोड़े होंगे ना, उसमें। सच्ची बताना, हाँ नेगोशिएबल का क्या पूरे किया? छोड़ दिया तनु बिल्कुल गोयल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सर मैंने सारा किया था, सारा क्या बात कर रहे हो? किया था और तनु जैन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सर, वो पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं वो किए मतलब इज्जत। और तुम लोग वैसे ना निकाल रहे हैं इंटर से, ये अदर लॉज ही निकाल रहे हैं, बोले बच्चे वैसे नहीं पढ़ रहे, अलग अलग निकाल लेते हैं यार, मतलब ग्रेट देखो ग्रेट सर हमारा कितना फ्यूचर देखने का मतलब ये कैपेबिलिटी पहली देख लिया कि तो जाने वाला एआईएस का क्या सोचो फिर निकल रहा है, पढ़ेंगे यस नहीं अभी क्या? तो है ना, हम अभी अपना तो है ना इसके लिए पढ़ना पढ़ पड़ेगा। रहे हैं, अच्छा ओके। तो आपने साथ साथ में राइटिंग प्रैक्टिस किया, एक एक चैप्टर के बाद राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट किया और इंटरलिंकिंग किया। तो इंटरलिंकिंग आपने अपने सेल्फ रिवीजन में किया, बिकॉज क्लास में आई डोंट थिंक सो सेल्फ हमने इतना रिवीजन इंटरलिंकिंग नहीं किया था, सेल्फ बिकॉज क्लास में रिवीजन हम लोग वो याद दिलाते तो अब बच्चे ऐसे देखते थे, क्या ये थोड़ी ना कभी पढ़ा है हाँ तो मतलब अलग ही दुनिया चालू हो गई हमारी, ये तो कितना पढ़े ही कितना नहीं थे कभी। टाइम लगता है सेल्फ रीड करने पूरा लॉ आफ्टर यू हैव डन विद द क्लासेस? अगर आप मतलब डे बाय डे कर रहे हो जैसे ही क्लास हुई उसके बाद तुरंत कर रहे हो जैसे ही, तो अप्रोक्सीमेटली अगर इन डेप्थ भी पढ़ रहा है बच्चा तो इट टेक अराउंड 30 to 45 मिनट्स तो आप बस क्या रिकमेंड डिटेल करते में। हो, वीकली बच्चों ने पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में? सर अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जैसे इंटर में थोड़े प्रोविजंस की जो लैंग्वेज रहती है वो और ज्यादा टेक्निकल हो जाती है करेक्ट फाउंडेशन से ज्यादा, तो अगर किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आई रेकमेंड कि उसको डेली पढ़ना चाहिए थोड़ा, तो डेली डेली थोड़ा पढ़ने थोड़ा से क्या होगा टाइम कम होगा रीडिंग का और जल्दी अंडरस्टैंडिंग होगी प्रोविजंस की समझ में आएगा। बट देन और अगर अगर आप डेली किसका पढ़ बहुत रहे ज्यादा है हो हाँ तो आप, से फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर वन पढ़ा, आपने चैप्टर वन पढ़ लिया, अब हम चैप्टर 8 पे आ गए, तो अब आप चैप्टर 8 पढ़ रहे हो तो वो फर्स्ट तो आप भूल जाओगे ना, अभी 2 महीने 3 हो जाएंगे उसमें, तो वो मैं कैसे उसके टैकल लिए करते थे? इंटरलिंकिंग करता था कि मतलब मैंने प्रोविजन पहले पढ़ा है तो मैंने कहाँ पे पढ़ा है, मैं खुद इंटरलिंकिंग करता था अच्छा अच्छा कहाँ अच्छा से कहा, तो फिर मैं वहां पे जाके वो प्रोविजन पढ़ लेता था उसके साथ साथ में, और आपने कोई बिकॉज नोट्स वोट्स हर एक बनाई थी? चैप्टर में मैंने मैंने चार्ट्स बनाए थे जो अरे जो जिसके मेरे को डिफिकल्ट लगे मैंने सबके चार्ट्स बनाए थे, और फिर मैं लास्ट डे पे मैंने वही रेफर करे बस, और मैंने आप मॉड्यूल ही नहीं ये देखा। पेनल्टीज वगैरह किसी ने लर्न किए यहाँ पर बैठ के, कि पूरे पेनल्टीज लर्न कर लिए एक जगह लिख के, या सेक्शन नंबर्स लर्न किए बैठ के? अच्छा, आपको नहीं लगता है नहीं सर लर्निंग हेल्प करता है इंटरमीडिएट लॉ में, मगिंग अप नहीं ऑफ मतलब सेक्शंस? अंडरस्टैंडिंग, अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई ना तो लर्निंग की कोई जरूरत ही नहीं, ओके, बट सोल अंडरस्टैंडिंग लर्निंग हो गई से लॉ काम नहीं बनेगा इज व्हाट यू आर में। सेइंग। नहीं नहीं ओके, नहीं तो आपने अंडरस्टैंडिंग तनु, चाहिए। आपने लर्निंग किया, तनु गोयल आपने लर्निंग किया कोई भी पार्ट पूरे इसमें? सर जैसे टाइम डेट्स वगैरह होती थी, मतलब डेज वगैरह का आता था ना, 30 60 हाँ डेज, ये सब कुछ याद किए, तो उसके अलावा सब कुछ समझा था बस मैंने। ओके, तो वो 30 60 है, या आपको भी पेनल्टीज है 100 या 1000 पर डे आफ्टर फर्स्ट, या यस फाइव सर लैक्स 10 लैक्स वो आपने थोड़े बहुत लर्न किए हुए हैं, बट यस सर अदरवाइज ऐसा हाँ कुछ बहुत ज़्यादा बैठ के आपने भाई, वो कुछ बच्चे होते हैं ना रट दे ऐसा चालू कर दे सेक्शन नहीं वो नंबर नहीं किया, 40 सेक्शन नंबर ऐसा आपने? तो तनु जैन नहीं आपने कुछ रटा है ऐसे सेक्शन नंबर्स? सर मुझे एक भी नहीं सेक्शन याद ना। सो ये एक्चुअली बहुत बड़ी बात है ना, बिकॉज आप लोगों में से भी कई लोग क्लास के बीच में मुझे पूछे होंगे सर ये सेक्शन नंबर का क्या करना है, रटना है क्या, क्या करना है? अभी आप खुद 60+ 70+ 75 लाकर बैठे और आपको पता है सेक्शन नंबर्स या किसी भी चीज में रटना इज नॉट गोइंग टू हेल्प एट ऑल, इनफैक्ट अपोजिट है, आप जितना रटते हो ना उतना ब्लैंक हो जाते हो और उतना एग्जाम में फिर पूरा ही ब्लैंक हो जाते हो। सो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, अच्छा एमसीक्यू का बताओ यार मुझको, कैसे लगे एमसीक्यूज? मेरे को तो सारे इजी लगे अच्छा, और तनु अरे जैन बहुत इजी आपको थे सर, सर सर कॉन्सेप्ट क्लियर थे तो सब इजीली हो रहे इजी थे, लगे? वेंकटेश बहुत आसान थे सर, हाउ मच डू यू डिफिकल्ट थिंक नहीं था, आपने स्कोर किया होगा इन एमसीक्यू पार्ट इंडिविजुअली? अबाउट
20 तो आराम से आए होंगे मेरे को एमसीक्यू अच्छा मेरे को 10 लगता वगैरह गए होंगे रॉन्ग। है। हाँ वो भी मतलब मैं पकड़ रहा हूँ ऐसे कि चलो ठीक है अपने को नहीं पता, बट 20 तो शॉर्ट शॉर्ट आए होंगे मेरे आए को होंगे। और एमसीक्यू। तनु सर मेरी 26 27 आ गए होंगे। आ गए होंगे, अमेजिंग। यस सर। और तनु आपके जैन सर मेरे को भी 25 अबव लग रहे हैं, एमसीक्यू अच्छे हुए थे। सर तो कुछ ऐसे पेनल्टी बेस्ड या ऐसा कुछ आए थे या कंसेप्ट पे एमसीक्यूज थे? ऑलमोस्ट कंसेप्ट पे थे, डीप थे कॉन्सेप्ट लेकिन। पे थे सर। ओके तो अभी आपने जब भी आरटीपीज एमटीपीज किए तो आप एमसीक्यूज भी अलग से प्रैक्टिस करते थे? यस सर। और क्या स्ट्राइक कुछ तो नया किया होगा यार तुम लोग अभी, जैसे इधर चार्ट पता नहीं चला इधर नोट पता चला। तनु जैन आप बताओ आपने क्या किया, कुछ अलग कुछ तो किया है बेटा मेरा दोनों की तरह बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी तो एक्सेप्शन वाला केस है सच्ची में सर। तो मतलब इतना कंसेप्ट से पढ़ लिए थे क्या कि भाई मतलब आग लगा क्या आ गया? एक तो सर आपकी लाइफ क्लासेस ली थी, और हाँ सेकंड मैंने जब एग्जाम्स आए थे ना तो मैं काफी ज्यादा एंग्शियस हो गई थी कि कैसे करूं, क्योंकि यही था मेरे को कुछ तो आता नहीं है। मैं एग्जाम देने का सोच रही हूँ मेरे को कुछ नहीं आता, तो फिर मैंने सोचा चलो क्लियर रहना है, वेटेज के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो पहले मैंने वही लास्ट एग्जाम्स वगैरह देखी कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, तो इस अकॉर्डिंग पहले वेटेज के अकॉर्डिंग जो जिस सब्जेक्ट की ज्यादा वेटेज है उसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज किया, उसके नोट्स अच्छे से बनाए। हाँ हाँ जिस हाँ सब्जेक्ट की करेक्ट वेटेज कम है उसके सिर्फ आईसीई वाले वो मॉड्यूल्स के पीछे जो क्वेश्चन होते हैं सिर्फ वही रीड कर लिए, इस टाइप के। और अच्छा सर मेरी ना एक बहुत गंदी हैबिट भी है, मैं राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करती ना, मैंने ओ फाउंडेशन में की ना इधर इंटर में की, सिर्फ मैं रीड कर रही होती हूँ। तो मैंने सिर्फ पास ईयर पेपर के आंसर सिर्फ रीड किए थे, अच्छा रीड करने की देन हैबिट ना है मैं मेरी। आपको सच्ची बताऊं तनु जैन, देन आई एम जेन्युइनली सरप्राइज्ड बिकॉज आई थिंक अगर आप प्रैक्टिस करते ही इमेजिन व्हाट यू वुड हैव स्कोर्ड, बिकॉज अभी इन लोगों ने देखो कितना प्रैक्टिस किया है। सो आई थिंक जब मैं कि एग्जाम लिख रही थी ना तो मुझे हाँ था कि मेरे को आता है, बट मैं लिख नहीं पा रही, आंसर फ्रेम नहीं कर पा रही, वो मुझे वहां करेक्ट फील हो रहा था। सेम मुझे फाउंडेशन में फील हुआ था कि मेरे को मैं बहुत अच्छा करके आ सकती थी, बट वही प्रॉब्लम आती है, पर वो था ना हैबिट नहीं है लिखने की। बट सेम मेरा अभी एग्जैक्टली ये चीज आप तनु जैन, आप तनु गोयल से पूछोगे ना उसको ये नहीं हुआ होगा कि यार ये कैसे लिखना है बिकॉज शी हैज रिटन सो मेनी आंसर पेपर्स। तो इट्स लाइक कि प्रैक्टिस टुडे सो दैट टुमारो यू आर कॉन्फिडेंट इन एग्जाम कि यार ये तो मेरे को आता है। कितने क्वेश्चन देखे हुए निकले तनु गोयल, कितने क्वेश्चन देखे हुए निकले बिकॉज आपने इतने सारे सॉल्व किए हैं? सर इस बार एक भी क्वेश्चन रिपीट तो नहीं हुआ था, नहीं भी रिपीट नहीं हुआ था। बट ऑलमोस्ट होता है ना कि हाँ इस कैटेगरी का है इस टाइप का है हमको हाँ समझ में आता है। ये ऑलमोस्ट सारे लग रहे थे मेरे को। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि कभी देखे ही नहीं थे, लेकिन हाँ उनके कॉन्सेप्ट पता था फिर वो कर लिया था, कॉन्सेप्ट थे ना। तो क्वेश्चन पढ़ते से यू आपको समझ में आता है कि ये सेक्शन पे इसका यस सर। पूछने का ये इंटेंशन है, राइट? हाँ। कुछ ट्रिकी क्वेश्चन लगे जो आप जहां पर घुमाने की कोशिश की गई थी आपको, नहीं ऐसा इतना तो कुछ कुछ नहीं नहीं लगा? लगा। तो अमेजिंग। तो ओवरऑल में राइटिंग प्रैक्टिस, नोट्स एंड चार्ट्स। तो मैं तो सर आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप लोग आपके नोट्स अगर आप किसी से शॉर्ट मतलब सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करवा सकते हो तो डेफिनेटली करवाइए बिकॉज आई थिंक पर्सनली वो नोट्स और स्पेशली चार्ट्स वेंकटेश दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अदर स्टूडेंट्स इज व्हाट आई फील। बिकॉज यार ना बच्चे बनाते नहीं हैं उनको अभी ना, ये जो जनरेशन है ना थोड़ा स्पून फीडिंग पे डिपेंडेंट है बिकॉज, और वो हमको ही उसका मतलब थोड़ा हम भी रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इफ यू गिव एवरीथिंग टू स्टूडेंट्स दे स्टॉप डूइंग थिंग्स ऑन देयर ओन। और वो हमने देखा है रिसेंट क्लासेस में कि जितना ज़्यादा बच्चों को देते हो ना उतना बच्चे कम स्कोर करते हैं, और जितना आप बच्चे खुद से मेहनत करते हैं ना जैसे आपने कहा कि सेल्फ रीडिंग, आपने भी तनु गोयल एक बार सेल्फ रीड किया होगा यस आफ्टर सर। क्लास, आपने क्लासेस हाँ मतलब रिकॉर्डेड देखी लाइव देखी कैसे देखा आपने पूरा रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड? तो आप एक दिन में रिकॉर्डेड कितने घंटे हाँ देखते थे मैं 10 से 12 क्लासेस देख लेती थी। एक दिन में? हाँ बिकॉज आपने एक महीने में कंप्लीट किया है। मैंने भाई साहब कैसे आपने एग्जाम के जस्ट 1 month कब कंप्लीट किया आपने? सर मैंने जुलाई में स्टार्ट की थी क्लासेस, मतलब जुलाई में कंप्लीट कर ली थी फिर मैंने। जुलाई में ही कंप्लीट कर लिए थे तो आपके हाँ पास अगस्त सितंबर अक्टूबर ये टाइम था जिसमें आपने यस रिवीजन एक सर। खुद से किया फिर हाँ नोट्स भी बनाए या नोट्स आपने वो हाँ 1 month में ही बना लिए थे? सर नोट्स मैंने पहले से बना लिए थे, फिर मैंने अच्छा लास्ट मोमेंट पे एग्जाम के टाइम पे मैंने और ब्रीफ बहुत छोटे छोटे करके 3 to 4 pages में और नोट्स बनाए थे मैंने, और दो बार बनाए बनाए थे नोट्स। तो यस एक सर। ओवरऑल क्रक्स आपको समझ में आ जाए फिर डीप में एक एक सेक्शन का आपको समझ में आ हाँ जाए। ऐसे किया था। हाँ आई थिंक तो आपके नोट्स तो यू शुड एक्चुअली ट्राई एंड बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप भी है वो नोट्स के लिए फिर मतलब बोलते रहे कि उत्सुक होंगे कि मैडम हमको भी बता दो कैसे कर लिया।
बिकॉज ना लॉ का सबसे बड़ा दिक्कत यह कि वो ह्यूज है, कोई भी बंदा हाँ सिलेबस देखता है ना 10+4, वो उसका आधा हार्ट अटैक उधर ही हो जाता है उसको, कि इतना नहीं कंप्लीट होगा, वन डे बिफोर तो एग्जाम बिल्कुल नहीं होगा। तो आई थिंक कि वो नोट्स फिर बहुत काम आ सकते हैं। वेंकटेश, आपने जो चार्ट्स बनाए हर चैप्टर के बनाए या कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के हैं नहीं सर, कुछ पर्टिकुलर कंसेप्ट चैप्टर के बनाए जो मुझे डिफिकल्ट जो लग रहे आपको थे। हाँ डिफिकल्ट लग रहे थे, और कोई स्ट्रैटेजी यूज उसके की या बनाए। नहीं मतलब अपना नॉर्मल ट्री डायग्राम और ऐसे बनाए? नॉर्मल नॉर्मल बस, अच्छा मतलब आपको डायग्राम के समझ फॉर्म जाए में बनाए वैसा बस कि भाई मुझे नॉर्मल पता पे। है कि ये हाँ मेरा बस दिक्कत है, मेरे मेरे को समझ को जाएगा ये देखकर। करेक्ट। वो एक्चुअली मेरे को ही समझेंगे सर। अच्छा वो उसी के लिए बने थे, वो अपना पर्पस फुलफिल कर लिया उन्होंने, राइट? नहीं दैट्स हाँ वो मैंने बनाई ऐसी वैसी, मेरे को समझेंगे। अच्छा, गजब है यार, मतलब उसमें भी दिमाग लगा लिया क्या तुमने, मतलब नाइस। चल हाँ मैं आप सभी लोगों को एक्चुअली एक एक उसमें ना मिनट का चार्ट लंबे और लंबे होते। मैं आप सभी लोगों को एक एक मिनट का और एक सवाल पूछने जाऊंगा। आपको कुछ भी अगर कहना है जूनियर से, कि हो सकता, कभी होता है ना कि यार मैंने ये चीज नहीं की, अगर मैं ये करता या करती तो शायद आई वुड हैव स्कोर्ड बेटर, तो एक आप ऐसी कोई चीज स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे जो वो कर सकते हैं टू स्कोर बेटर, स्टार्टिंग विद तनु गोयल प्लीज। सर, सबसे पहले तो नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको नोट्स बनाने चाहिए, 3 to 4, एटलीस्ट 3 to 4 मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए, ओके और ठीक MTP RTP बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और है, ICI तो बिल्कुल पढ़ के जाना है, उसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना, ICI सब कुछ है, सब उसका कुछ है मॉड्यूल सब कुछ है। और हमारा बुक्स हाँ भी ऑलमोस्ट इट्स ICI, सेम, मतलब आप देखेंगे तो उसमें हाँ कुछ भी अलग, बिकॉज और ये हमारा हाँ नहीं हर ही क्लास का है यही सीन है, बिकॉज हम कुछ नया नहीं पढ़ा सकते हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और वेंकटेश, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स क्या आप देना चाहेंगे बच्चों को? सर एक्चुअली मैंने एक और चीज ऑब्जर्व करी है कि पेपर में जब बच्चा जाता है तो उसका ये रहता है कि लॉ में 100 मार्क का लिख ही नहीं सकते हम, कवर ही नहीं होता। वो एक अंडर परफॉर्मिंग माइंडसेट है बच्चों का बहुत ज्यादा, तो करेक्ट, उसको ठीक करने के लिए बच्चों को है ना जब राइटिंग प्रैक्टिस करते तो टाइम स्टैम्प लगा के करो कि जितना टाइम हमको मिलने वाला है उससे थोड़ा कम टाइम रखो जब आप प्रैक्टिस करो घर पे, और उसमें टच करो टारगेट, उसमें ये करो अचीव। तो हाँ जब तीन जॉब घंटे में बच्चा लिखेगा तो उसको प्रेशर ही नहीं होगा कुछ, नहीं। और वो 100 मार्क का लिख लेगा पूरा। अच्छा, तो आप यू यू वर एबल टू कंप्लीट, आपने कर पाए, कितना कर हाँ पाए? हाँ मैंने मैंने पूरा लिख लिख दिया अरे था, भाई सो सो साहब मार्क का। जोरदार, बिकॉज नहीं लिख पाते, बहुत सारे लोग पूरा नहीं लिख पाते हैं, हाँ वो अंडर परफॉर्मिंग माइंडसेट है, वो नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं करके ही आऊंगा एट एनी कॉस्ट, एनी सो हाउ, नो इफ यू आर मैटर व्हाट। गेटिंग 1.8 मिनट्स पर मार्क्स, आप उसको 1.5 पकड़ लो पहले ही, और उसको अचीव करने की हाँ कोशिश करो, तो अल्टीमेटली 100 मार्क्स का आप लिख लोगे, लाइक दैट यू हाँ वो एक नोटिस। है ना इंग्लिश में प्रॉब, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, एग्जैक्टली वैसा वाला एग्जैक्टली एक एग्जैक्टली है वो। एग्जैक्टली, अमेजिंग अमेजिंग, दैट वाज जेन्युइनली अ वेरी गुड सजेशन, थैंक यू सो मच वेंकटेश। तनु जैन, ओवर टू यू, फाइनली क्या नया कुछ अच्छा कर सकते हैं लोग? राइटिंग प्रैक्टिस राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ और कोर्स, एग्जाम, मतलब कोई क्वेश्चन होता है ना कभी कभार जो मैं नहीं आता, बट थोड़ा थोड़ा आइडिया होता है, तो उसको अटेम्प्ट कराओ, अटेम्प्ट ऐसे कराओ, छोड़ना नहीं है, ऐसा करेक्ट। कर दो, और है ना, उसमें आप, से बहुत अच्छा आता है, तो हाँ दोनों हाँ को अटेम्प्ट करो, कि सिर्फ एक को ही अगर आ गए, क्योंकि करेक्ट। मार्क्स मिल ही जाते हैं, पर लक अच्छा होता है या कुछ, तो अटेम्प्ट पूरा करते रहो। और नोट्स होते हैं, मैंने नोट्स बनाए थे अच्छे से, बेशक मैंने राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, पर मैंने नोट्स की प्रैक्टिस ही मैंने 3 4 बार कर ली, एक चैप्टर के नोट्स 3 4 बार बना लिए, हर बार अलग अलग तरीके से, उस टाइप ओ से नोट्स मेन होते तो हैं। आपके यू हैव ऑल द नोट्स अवेलेबल विथ यू, पर सर वही है कि सिर्फ अपना मेरे को ही मैथ का ज्ञान समझ मेरे लिए, मतलब किसी और को शायद ना समझे, इट्स लाइक दैट राइट। आएंगे। हाँ बट देन मतलब ऐसे नोट्स शॉर्ट मुझे, व्हाट आई एम टेकिंग अवे नोट्स फ्रॉम दिस, या व्हाट आई एम टेकिंग अवे फ्रॉम दिस इज कि नोट्स नोट्स चार्ट्स, मेरे दिमाग में भी वो चल रहा है कि दिस गाइस हैव डन थिंग्स ऑन देयर ओन ओवर एंड अबाउट द बुक्स, ओवर एंड अबाउट द, मतलब क्लास मेरे हिसाब से वाज 40 to 50% ऑफ योर जर्नी, रेस्ट 50% आप कितना खेल लेते हो ये उस पर डिपेंडेंट है। सही है यार तनु, आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड आई रियली विश कि तनु बहुत जल्दी मैं एक और ऐसी वीडियो में आपको देखूं जिसमें आप उस तरफ जा चुके रहोगे विद अमेजिंग मार्क्स इन ऑल दी अदर सब्जेक्ट इज वेल, है ना? दैट इज इट गाइस, थैंक यू सो मच। मैं आपका आज के दिन ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बिकॉज आप लोगों को अभी सेलिब्रेशन करने होंगे। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी प्राउड एंड मेकिंग दिस एंड योर एंटायर फैमिली इज प्राउड एज वेल, एंड आई होप टू सी यू शाइन इन CA फाइनल एज वेल। थैंक यू सो मच। ओके अभी मतलब आई विल कट द वीडियो फ्रॉम हियर। यार तुम लोग खतरनाक मतलब नोट्स और चार्ट्स बनाए हो यार, मतलब प्राउड फीलिंग आ रहा है सोच के।
दिखाना जरूर यार मुझे नोट्स, बिकॉज आई वांट टू सी कि कैसे होता है। क्या बोल रहे हो तनु? हाँ सर, अदर लॉस के आपके वाले चैट भी बहुत हेल्पफुल थे, अदर लॉस के नहीं बनाने पड़े, वो अच्छा जो वो आपने हमने लास्ट जो चैप्टर, बना लिए थे बेला बेली वाले। वो चार्ट तो मेरे वैसे भी हैं कि वो किसी और को भी मैं अगर फॉरवर्ड कर दूँ तो वो उसके लिए हेल्पफुल होंगे काफी, हाँ वो तो एक्चुअली उसने अदर अच्छे लॉज से में ना और बनाए चार्ट बन सकते थे, बट आई थिंक कि आप लोग, आपने जो बनाए होंगे वो भी आपको ज्यादा यूजफुल लगे होंगे, बिकॉज वो आपके स्टाइल से बने हुए हैं। हाँ वो भी थे, दोनों ही थे, बट आपके वाले भी काफी हेल्पफुल थे, उस उन चैप्टर्स को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ जरूरत उन है। चार्ट से रिवाइज करा। ओके सो दिस इज लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। अभी नेक्स्ट टाइम मैं थोड़े चार्ज बढ़ाता हूँ, बट अब अदर लॉ ही निकल रहा है मुझे ना, कॉर्पोरेट लॉ में चार्ट बनाने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है क्लास में थोड़े। मैं चार्ट कम बनवाता हूँ एक्चुअली, मेरा कंसेप्ट पढ़ाने में इतना टाइम चला जाता है कि मैं वो ज़्यादा एक्चुअली चार्ट या जो राइटिंग प्रैक्टिस पार्ट है ना वो मेरे एंड थोड़ा कम होता है। अभी जैसे तनु ने इतना ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस किया कि उसके लिए कुछ भी नया नहीं था वहाँ, डर ही नहीं था उसके लिए कि हाँ चल ठीक है तो 50 बार लिखा है यार। सो आई थिंक कि रेगुलर क्लास में राइटिंग प्रैक्टिस शुड बी इंक्रीज्ड। एनी मोर सजेशंस जो आप दे सकते हो, व्हाट आई कैन इम्प्रूव अपॉन इन द क्लासेस, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं सर आप ही राइटिंग प्रैक्टिस करवा दिया करो मेरे थोड़ा जैसे ना, बच्चों के लिए। चैप्टर वाइज या कुछ तो भी एक होना चाहिए राइटिंग प्रैक्टिस, राइट? सर एक और चीज, वो जो रहता ना अपना मोस्टली लॉ में ना केस स्टडी वाले एमसीक्यू आते हैं, हाँ तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको लास्ट में करेंगे, एंड में करेंगे, और वो एंड में करते करते एंड में ही हो जाते फिर वो पूरे, मतलब तो वो कर है ही ना नहीं वैसा नहीं पाते। करना चाहिए। हाँ हाँ वो उससे उससे क्या होता है, अगर आप केस स्टडी एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो उससे क्या होता है, पूरे जितने भी आपने चैप्टर्स पढ़े उसके हर एक एक प्रोविजन रैंडमली आपके आपके ना चेक हो जाते हैं और रिवाइज भी हो जाते हैं। तो केस हाँ स्टडी एमसीक्यू बच्चों को सॉल्व करना ही चाहिए क्लास के दौरान ही, थ्रू आउट द क्लास, ऐसे नहीं कि लास्ट में करेंगे एकदम, अच्छा तो कंसेप्ट भी अच्छा रिवाइज ओके होते हैं सो और आप कह रैंडमली रहे हो कि रिवाइज जब होते हैं। क्लास चल रही है जो कंसेप्ट चल रहा है उसका एक कुछ एमसीक्यूज हम क्लास के अंदर उसको कर सकते हैं, या उसको आप होमवर्क भी दे सकते हो कि ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज हाँ आप कर आप सकते हो। क्लास में कर सकते हो, आप होमवर्क कर सकते हो, और एक इंटीग्रेटेड केस स्टडी एमसीक्यू करना है, ऐसे सिंगल सिंगल वाला नहीं जहाँ पे पूरे हाँ केस स्टडी बना के पूछे गए, करेक्ट करेक्ट, जो आपको उसमें सही एग्जाम में मजा एक्चुअली आता है आते सॉल्व हैं। करने में। अच्छा हाँ उसमें बहुत बट मजा आता है मुझे यार सॉल्व बच्चे बोलते हैं कि वो इंटीग्रेटेड स्टोरी रहता है, बट देन एमसीक्यूज आप देखो तो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऐसे भी बच्चे बोलते हैं कि पूरा आप नहीं भी पढ़ो और डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ लो तो यू कैन आंसर, ऐसा होता है क्या? ना, अगर अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग ही लेवल का है तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, बट ऐसे इंटीग्रेटेड केस स्टडी सॉल्व करने से एक हैबिट हो जाएगी, हाँ मतलब एक हैबिट बन बिकॉज जाएगी आपको बच्चों सीए की, जो उनको फाइनल में भी टेस्ट वो में भी देखना मदद है। आएगी। हाँ सीए फाइनल में भी वो देखना है आपको, इनफैक्ट ग्रुप टू में हाँ भी इंटीग्रेटेड ही आता है आजकल। और एक्चुअली टैक्स में तो पूरा ही वैसा रहता है, तो टैक्स में भी मदद मिलेंगी उनको, एक हैबिट अगर बनेगी तो उनकी, करेक्ट, और सो लॉ में राइटिंग इजी रहता है प्रैक्टिस, तो आसान होता है हैबिट बनाना तो जल्दी राइटिंग से। प्रैक्टिस एंड एमसीक्यू शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर डेली क्लासेस ऑल्सो। यस और तनु आप कुछ बोलेंगे? तनु गोयल, एनीथिंग दैट कैन बी इम्प्रूव्ड सर, बस अभी तो यही है। राइटिंग प्रैक्टिस एंड एमसीक्यूज? यस सर, ओके तो क्या प्लान है फिर आर्टिकल चिप अभी तो सर ग्रुप टू होगा उसके बाद। उसके बाद, और वेंकटेश हाँ सर अभी ग्रुप टू है फिर से, फिर से अभी तो करें? देखो आईसीएआर ने शांति भी लेने नहीं दी हमको, मजे भी नहीं करने दिए हाँ तो पूरे। डेट्स आ गए तुम लोग, क्या देखा कि देखा क्या ना डेट है तुम लोग का? यार, मेरे पास आया है, बारह मैंने से देखा नहीं है। अपने ग्रुप में बारह किसने से डाला बारह है? से अठारह ओ सर तीन हो, ट्वेल्थ में तो तुम्हारा 12 तारीख से 18 तारीख तक है ना? ऐसे सब देखो सेलिब्रेट भी नहीं करने देता पूरा, अच्छी से शांति से एक दिन भी, मतलब नहीं कल भी डाल दे तो हम समझ अब जाते। सीए बनने के बाद करना जो मस्ती करना है उससे पहले कुछ हाँ नहीं। चलो अमेजिंग यार, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई विश कि आप ऐसे ही सक्सेसफुल रहे थ्रू आउट योर करियर, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल एंड योर एंटायर फैमिली। तनु आर यू यू हैव एनी प्लान्स फॉर टुडे, और कैन वी टेक अ 30 मिनट सेशन, कर सकते नो हैं? प्रॉब्लम, ओके सो यस आई विल जस्ट गिव यू द लिंक राइट अवे। सर, ओके सर, ओके एंड तनु जैन मेरे को चाहिए यहाँ रिजल्ट जल्दी, ठीक है सर, जितना प्यार लॉ से किया ना उतना बाकी सब्जेक्ट से भी चाहिए अभी, ठीक सर इस बात, है? ओके एंड वेंकटेश भाई ऑल द बेस्ट ग्रुप टू के लिए, आग लगाओ। थैंक यू सर, थैंक चलो यू सर, मिलते हैं फिर ब्रो, हाँ बाय सर, एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस।